पुलवामा में हुए सीआरपीएफ के काफिले के हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था। भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान आज भी खौफ में है। उसे आज भी इस बात का डर है कि एयर स्ट्राइक की ही तरह भारत आतंकियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इसी डर के चलते पाकिस्तान ने जेश के मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी है। खबरों के मुताबिक बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने चीन से 4 मिसाइल सिस्टम मंगवाकर जेश ए मोहम्मद के मुख्यालय के बाहर तैनात किए हैं। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को बहावलपुर में तैनात किया गया है, जहां जेश ए मोहम्मद का मुख्यालय है। पाकिस्तान कितना डरा हुआ है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2015 में चीन से उसका 9 मिसाइल सिस्टम LY-80 का करार हुआ था। बालाकोट से पहले 5 मिसाइल सिस्टम चीन से पाकिस्तान को मिल चुके थे, बाकी 4 मिसाइल अगले 4 साल में आनी थी, लेकिन डरे पाकिस्तान ने एक साथ 4 सिस्टम एक साल में ही ले लिए। जेश के मुख्यालय के बाहर तैनात किए एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम LY-80 की मारक क्षमता 40 से 70 किलोमीटर की है। सतह से 10 किलोमीटर ऊंचाई तक ये मार सकता है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से मिले 5 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को मर्री, गुजरावाला, अरिफवाला, रहिंग्यार खान और सकर की एयरबेस और सैन्य ठिकानों में तैनात कर रखा है। वहीं बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद एक साथ मंगवाए गए 4 मिसाइल सिस्टम को बहावलपुर, पानू अकील मुल्तान और मलीर एयरबेस और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में तैनात किया गया है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.